है रक्षाबंधन। सो पहली डिश जो मैं बना रही हूँ वो है फ्राइड राइस। सो चावल मैंने उबाल के रख दिए हैं, मैं आपको बताऊँगी कि उसको कैसे बनाना है। नॉर्मल उबालना ही है जैसे आप उबालते हैं, पर पिंच भर हम उसमें डालेंगे फूड कलर। फूड कलर जो है वो रेड वाला फूड कलर डालेंगे। सो मैं आपको दिखाती हूँ वो किस तरह का लगेगा। फ्राई होने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। इसको खुली सी परात में आप उबाल के थोड़ा सा पंखे के नीचे रख दें ताकि वो खिल जाए। यह है पत्ता गोभी, गाजर, ये हमने लिया है जो स्प्रिंग अनियन आते हैं उसके लिए है मैंने, प्याज, बीन्स, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची और लहसुन, और ये कुछ जो स्प्रिंग अनियंस की लीव्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेनी है और उसमें हम ऑयल डालेंगे। ये हमने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, लगभग 2 टेबलस्पून के बराबर। पहला इंग्रेडिएंट है, हम डालेंगे लहसुन। लहसुन थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए। लहसुन ब्राउन हो चुका है हमारा, अब हम इसमें डालेंगे हमारे थोड़े से स्प्रिंग अनियन। गाजर, क्योंकि गाजर को थोड़ा टाइम लगता है तो वो अनियन के साथ ही फ्राई हो जाएगी। हरी मिर्ची, लगभग 2 के बराबर। हमें प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करने क्योंकि फ्राइड राइस में ज़्यादा ब्राउन नहीं होते, तो थोड़े हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें हमारी बीन्स। बीन्स को आप छोटा छोटा काट लीजिए। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च। तो ये हमारा सौते हो चुका है, अब मैं गैस बंद करूँगी और ये जो हमारे राइस हैं मैं इसमें डाल दूँगी। चिली सॉस, सारी जो सॉसेस हैं वो आपको अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेनी है, तो हम ले मैं डालूंगी रेड चिली सॉस। सोया सॉस, उसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी विनेगर, हल्का सा विनेगर